अभी हाल फिलहाल की अपनी कंसल्टेंसी का एक किस्सा बताऊंगा आपको। एक 21 साल की लड़की का कहानी है। उसको प्यार में धोखा मिला, बहुत बुरा धोखा मिला। धोखा मिलने के बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे डिप्रेस हुई, कैसे बाहर निकली और अब किन हालातों में है, समझिएगा। लाइफ कैसे 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 पलटी होती है, कैसे 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 धोखा देती है और कैसे 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 वापस रिकवर करके आपको ज़्यादा मजबूत बना करके खड़ा करती है। नमस्ते जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। 22 साल की आयशा, 21 या 22 साल की, कॉलेज ख़त्म हो चुका है, नई नई जॉब में गई हुई है। कॉलेज तक कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई अफेयर्स नहीं, पूरा फोकस पढ़ाई पे, करियर पे। देन जॉब में आती हैं और अब लगता है कि लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए जिससे वो शादी करें और सेटल होकर के लाइफ को अच्छे से जिए। यही तो लाइफ है, यही तो सिखाया गया, यही तो समझ है कि एक पार्टनर चुनो, उसके साथ शादी करो और सेटल हो जाओ। बहुत अच्छी सोच है, परियों की कहानी जैसे लगती है, पर क्या सब कुछ हमेशा वैसा होता है क्या जैसा हम चाहते हैं? आयशा की ऑफिस में बहुत अच्छी जॉब लग गई है और ऑफिस में एक सीनियर तबके में एक बहुत अच्छा लड़का है, काफ़ी हैंडसम भी है, सैलरी भी अच्छी है, देखने से बिल्कुल परफेक्ट मैच कि इससे ही हम शादी करेंगे और सेटल हो जाएंगे। बात आगे बढ़ती है, वर वधु एक दूसरे को पसंद करते हैं, वर वधु इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बात शादी की ही है ना, सब कुछ अच्छा होता है, लोग मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, धीरे धीरे बातें ऑफिस में फैल रही है, धीरे धीरे लोगों को बात पता चल रही है, लड़की अपने घर में अपने मम्मी पापा को भी बता रही है कि मैंने लड़का पसंद किया हुआ है, सब कुछ सही है। अचानक एक दिन सेल फोन पे एक कॉल आता है, किसके, आयशा के, और आयशा को पता चलता है कि जिस लड़के से वो इतना प्यार करती है, जिस लड़के के साथ वो जिंदगी बिताने के सपने देख रही है, उसकी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो रखी है, और जिससे इंगेजमेंट हो गई है वो लड़की ने फोन करती है और बोलती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उससे दूर हो जाओ, मेरी जिंदगी खराब मत करो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं। बहुत सुना सुना है स्टोरी, नहीं लग रहा है फिल्मी टाइप का, कई बार देखा सुना समझा। आयशा को भी ये स्टोरी पहले से पता थी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों सारे सपने टूट गए, सब कुछ बिखर गया, सारे अरमान बिखर गए। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़के को तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये आयशा सोच रही है। लड़के तक बात पहुंची, लड़का आया मनाने के लिए, और वही जो लड़कों का घिसा पिटा एक लाइन होता है कि हम बात कर सकते हैं, मैं समझा सकता हूँ, ये कैसे हुआ, मैं बताना चाहता था, मैं बताने वाला ही था, मैं बताऊँगा सोचा ही था, मैं बताने बस बताने ही वाला था, मुझे मौका नहीं मिल पाया, मैं बस। लेकिन इन सब में एक इनोसेंट इंसान की फीलिंग, भावनाएं पूरी तरह से आहत हो जाती है और सब कुछ सपने की तरह बिखर जाता है। ये तो आप भी समझ चुके हैं कि रिश्ता टूट चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, अब अकेलेपन का एक दौर, डिप्रेशन से भरा हुआ, एंजाइटी से भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ, सारे सपने बिखर चुके हैं, सारे हालात टूट चुके हैं, ना आप सजने का मन करता है, ना संवरने का मन करता है, ना कहीं आने का मन करता, ना कहीं जाने का मन करता, ना लोगों से मिलने का मन करता, नए ना ही नए रिश्तों पे भरोसा होता है, अपनों पर से तो विश्वास ही उठ चुका है। दूसरा, बेइज्जती का डर, आधी दुनिया को पता है कि आयशा उस बंदे के साथ रिश्ते में है, कैसे मुंह दिखाएं किसी को, कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं ना आप भी। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए रिश्ते के साथ जिंदगी अच्छे से देखेंगे।
मेरा प्रश्न ये है, ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आ गई है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, एक ही पार्टनर हो सकता है, एक ही से ही प्यार हो सकता है, एक ही के साथ ही सपने देखे जा सकते हैं। कुछ लोग आज भी हैं भाई जो इतने संस्कारी हैं, जिनका माइंडसेट वैसा ही है, जिनका माइंडसेट अभी भी अच्छे लोगों वाला ही है कि पढ़ेंगे, बड़े होंगे, कुछ काम करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और फिर एक अच्छे रिश्ते में जाकर जिंदगी बिताएंगे। पर हम भूल जाते हैं कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही लोग भी इंसान ही हैं, लोगों से भी गलती होती है। तो ऐसे किस्से में क्या करना चाहिए? आयशा ने क्या किया? ऑब्वियसली किसी से मदद ली। आप भी मदद लीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको सुन सकते हैं, जो आपको समझ सकते हैं। घर वालों से बात नहीं की जा सकती है, जानता हूँ अजीब लगता है, लेकिन हो सके तो अपने घर वालों से भी बात कीजिए। कोई ना मिले तो किसी अच्छे काउंसलर से बात कीजिए। बहुत है इंटरनेट में, आप गूगल में सर्च करेंगे बहुत आपको काउंसलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे हीलर्स मिल जाएंगे जिनसे बात करके आप रिलीफ फील कर सकते हैं। आयशा ने भी यही किया। और अब उसने क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब सॉल्यूशन की बात हो रही, पूरी प्रॉब्लम की बात थी ना। सबसे पहला काम ये था कि आयशा बेटा अपने आप को माफ़ करो, आपकी गलती नहीं है। आप बार बार अपने आप को ये दोष देना बंद करो कि मैंने ही गलत इंसान को चुन लिया, मैंने ही गलत भरोसा कर लिया, मैंने ही ऐसा कर लिया, मैंने ही वैसा कर लिया। गलत है, इतना अपने आप को तो वो कोसने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उस इंसान को माफ करो जिससे आप बेहद नाराज हैं, जिसने आपको धोखा दिया, आपके हिसाब से उसने आपको धोखा दिया। अब माफ करने का कहीं भी मतलब ये नहीं कि वो सही था या उसकी गलती नहीं थी। माफ़ करने का मतलब सिर्फ ये है कि अब आप इस सारे मामले से अलग होना चाहते हो, डिस्कनेक्ट होना चाहते हो, कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो। कॉर्ड कटिंग करो, आगे बढ़ो। तीसरा, लोगों से भागना बंद करो, मिलो। शुरू में लोगों की आंखें आपको चुभेंगी, लोगों की बातें भी आपको चुभ सकती है, लेकिन लोगों से मिलो, स्माइल करके मिलो, ऐसा प्रिटेंड करो कि आप मूव ऑन कर चुके हो। फेक इट टिल यू मेक इट, सिखाया है ना, सिखाया ना हमने कि जो चीज़ भी करना चाहते हो उसका फेक इट करो, तब तक जब तक वो हो ना जाए। फेक इट टिल यू मेक इट। और अपने आप के लिए कुछ अच्छे अफर्मेशंस बनाओ और उसे दोहराते रहो। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ये एक लाइन जो थी ये मैंने उसे बताई और आयशा ने इसे ही बार बार अफर्मेशन की तरह बोलना शुरू किया। कुछ 5 या 6 दिन में ही सब कुछ अच्छा होने लगा। लोग सवाल पूछना बंद कर दिए, आयशा को जवाब देना बंद कर दिया गया, आयशा ने खुद से सवाल पूछना बंद कर दिया और आयशा ने खुद को जवाब देना भी बंद कर दिया। और धीरे धीरे अगले 1 से 1.5 महीने में सब कुछ आसान होने लग गया। टाइम लगेगा, अभी भी चीज़ें बदली नहीं है। 1.5 महीने हुए, और 1.5 महीने, फिर और 1.5 महीने, कुछ ही महीनों में सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। तो ये है हमारी कहानी, हम सब की कहानी। लाइफ ऐसे ही जालिम हो जाती है, हम उसमें कैसा बिहेव करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आशा करता हूँ इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, खासकर वो जो अभी किसी रिश्ते से गुजर रहे हैं या किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो अपने आप को ऐसे ही प्यार कीजिए। किसी और ने धोखा दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गलती थी, ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते। इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, खासकर वो जो अभी किसी रिश्ते से गुजर रहे हैं या किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं।